नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं पार्टुमा प्रैक्टिस की, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है और काफ़ी डिफिकल्ट होता है जो भी बिगनर्स होते हैं वो मा और पा का ट्रांजिशन। तो ये टॉपिक के लिए दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान देनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपकी प्रैक्टिस पार्टुमा बहुत क्लियर होनी चाहिए। लोग पहले ये प्रैक्टिस में क्लियर नहीं होते और मा और पा की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, और जो प्रैक्टिस हम करेंगे तीव्र मा की करेंगे। बिगनर्स के लिए हार्डली रिकमेंडेड है कि शुद्ध माना करें, पहले तीव्र मा सीखें, और ये मीडियम पा जो है वो ऐसे भी बज सकता है, या ऐसे बजाएंगे तो आपको आवाज़ पतली करनी पड़ेगी, वो उसका एक अलग स्टाइल होता है। पर अगर ऐसे आप मीडियम पा बजाएंगे तो ऑटोमेटिकली बज जाएगा। तो जो बिगनर्स होते हैं उनकी पहली प्रैक्टिस है कि पा टू मा आपको क्लियर करना है, आपकी कम से कम ये स्पीड होनी चाहिए। तो ही मापा की प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो मापा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम मापा की प्रैक्टिस तभी करेंगे जब ये क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या है, मापा की प्रैक्टिस बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, जब माँ और पा में जाते हैं तो फ्लूट अनस्टेबल हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पा धा नी सा, जब सा आएगा तो आप याला लास्ट वाला पा में लगा सकते हैं उंगली, जिससे आपकी फ्लूट यहाँ स्टेबल रहेगी। रे गा, और यहाँ से आपको यहाँ फोड़ देना है जिससे आपकी फ्लूट हिलेगी नहीं। माँ बजाएंगे तो आपकी देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है अपने अली फिंगर से और एक यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है, तो इस सपोर्ट से आपकी हिलेगी नहीं बांसुरी। इसके माँ के बाद माँ, अब आपको प्रैक्टिस करनी माँ पा माँ की प्रैक्टिस करनी बहुत बार, कम से कम 100 times आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। आप सोचेंगे 10 बार करें तो नहीं होगा, आपको रोज ही कम से कम 100 times करनी है। आराम से रोज प्रैक्टिस कीजिए तो मुझे लगता है ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी।